revolution. देखिए ये दिया 3 का पावर 1/3 प्लस 3 के पावर -1/3। मैंने क्या सिखाया था याद है? ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, क्या आंसर आया? 3 + 1/3 9 × 1 = 10/3। अरे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आंसर 10, नहीं तो 10/3 होता। तो आंसर क्या हो गया? डायरेक्ट याद है सबको, जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा कम ही कम, ठीक है ना, आएगा आपका भी तो समझाएंगे आपको, हम तो समझ गए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मैंने डिटेल भी सिखाया था और रिज्यूम करके भी सिखाया था। आप इसे 1 1 क्या मान लीजिए, -2, 1 1 दो का स्क्वायर 4, 4 - 1 ऊपर क्या हो गया 6, नीचे डिवाइड करो कितना आ गया 2 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही सेम है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है 0, आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे में है वही बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी है, तो इसको 1 1 - 2 मान लो या होल स्क्वायर लगा दो फार्मूला, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 × 1 - 2 - 2 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 1 - 2, ठीक है ना। तो ऊपर क्या हो गया 4 2 6 और नीचे क्या हो गया -3, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -2, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो जितना पढ़े ना अपने हिसाब से, जो ना आए तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि सब लोग पूरा नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगी बात, है ना। 4th नंबर पावर है 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 का क्यूब, याद आ रहा सबको, ये ऐसे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये बन गया जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और इसका सम याद है फॉर्मूला a/(1 - r), a है इतना और r है 1/2, तो हाफ और नीचे एक में से आधा गया आधा, कट के कितना हो गया 5^1, आंसर 5, ठीक है ना। कुछ नहीं था, बस सिंपल था, 5 का पावर 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 का क्यूब + 1/2 पर 4 एंड सो ऑन, ये जीपी बन गया। उसके बाद ये 1/2 - 1/2, 5 के पावर आधा, नीचे भी आधा कट के 1, तो आंसर क्या हो गया 5 आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहा कि एक नंबर एन है, ठीक है ना, उसको डिवाइड किया 84 से, तो रिमाइंडर कितना आया 7, तो एन स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने क्या सिखाया था, यदि नंबर को स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब जिससे 12 से भाग देना क्या बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा, याद आ रहा सबको, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है, 9, देखो इसको ऐसे लिखते हैं 999 + 1/7, प्लस होता है बीच में ना, कि कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं ले सकते है ना, प्लस बीच में होता है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। तो 999 कितने बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा, ठीक। और यहाँ 1/2, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 बच जाएगा, ठीक। और ये जो है ऊपर मैं एक स्टेप लेता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे बच जाएगा, ठीक। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 5 9 9 4, यही ना, और इसे 21 आ जाएगा, तो 7 3 21, 3 और जुड़ जाएगा ये हमेशा, तो क्या आ जाएगा ये 5 9 7, तो आंसर हो जाएगा ये इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 सर्ड्स के लिए देखिए जरा फटाफट, 1/9 यहाँ पर 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको ये सिखाया था, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। अच्छा इसमें किसकी कमी महसूस हुआ, a माइनस बी का, तो मैंने स्टर्ट्स में सिखाया था आपको a माइनस बी की कमी है, तो a माइनस बी से गुना भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे, याद आ रहा स्टर्ट्स का पढ़ा हुआ।
तो नीचे बन गया फार्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्यू करने पर उठ गया 3 माइनस 1, क्या बच गया क्यू रूट 3 माइनस 1/2, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नो? ठीक है, एक यहाँ से डस्टर नीचे चला गया हो, देखना जरा। मिटा दो ना, यहाँ देखिए जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, कहा कि एक हॉस्टल में 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, 20 और आ गए हैं 80, कुल खर्च 120 रुपया बढ़ गया ये 20 आने से, ये 20 आदमी खर्च है, लेकिन मालूम है एवरेज खर्च जो है 1 रुपया कम गया, इसका मतलब सबका एक एक रुपया कम गया, तो इसका मतलब पहले 80 रुपया खर्च ज्यादा था अब कम आ रहा है, क्यों? क्यों सब लोग साथ में मिलकर रहने लगे, इसका मतलब अब खर्च कितना आएगा, मतलब पहले खर्च कितना आता होगा 200 रुपया, कितने लोगों का, 20 लोग आए थे ना, 20 लोग, इसका मतलब पहले का एवरेज खर्च था 10 रुपया, तो पहले का एवरेज खर्च 10 रुपया था, तो 60 लोग थे, 600 रुपया पहले कुल खर्च था ना, कुल खर्च जाएगा 600 रुपया, एवरेज खर्च पहले क्या था 10 रुपया, और अब का बोले कुल खर्च तो 120 और बढ़ जाएगा 720, और एवरेज बोले तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, सब पढ़े ना एवरेज। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा विजय जो है उसका इन्वेस्टमेंट अजय और संजय से 4/7 पार्ट है। अजय का जो इन्वेस्टमेंट है वो विजय और संजय का इन्वेस्टमेंट का 1/10 पार्ट है। तो मैंने आपको सिखाया था, याद है विजय अजय संजय का रेशियो निकालना, इसका सम क्या था 11, इसका भी सम कितना आ गया 11, तो ये डायरेक्ट ही सिखाया था, ये क्या है विजय का 4 अजय का 1, तो 4 1 और सब मिलाकर 11 है, तो ये अकेले 5 है, तो क्या बच गया, तो संजय का 6 होगा, याद आ रहा है ना, 6/11, जो पढ़े होंगे उन्हीं को याद आएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो याद करने पर भी नहीं आएगा, 11 5 55, 6 5 30, कितना आ गया 3 लाख है क्या, 3 लाख रुपया। ठीक है ना, सब पढ़ाया हुआ चीजें हैं, ये रिवीजन टेस्ट के माध्यम से बस रिवीजन होता है, जब पढ़ लिए तो उड़ जाएगा दिमाग से, तंद आ जाएगा, है ना। देखिए 10 नंबर, कहा डायमंड को तोड़ दिया 1:2:3:4 के रेशियो में, ठीक, अब तोड़ने से उसको लॉस हो गया 1,40,000 रुपये का, डायमंड का जो प्राइस है उसके उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया था, जब डायमंड नहीं टूटा था तो इसका वेट कितना, 4 3 7 2 9 1 10, वेट 10 था तो प्राइस क्या हुआ 10 का स्क्वायर 100 होगा, अब डायमंड टूट गया तो अलग अलग पीस का अलग अलग दाम होगा, इसका दाम 1 होगा, इसका दाम 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका 9 होगा, 16 16 9 25 30, तो देखो पहले दाम था 100 रुपया, टूटने से पहले, टूटने के बाद 30 रुपया, तो लॉस कितने का हो गया 70 का, 70 का जो लॉस है हमें 1,40,000 दिया है, तो टूटने से पहले हीरे का दाम क्या था 100, 100 कितने के बराबर होगा 1,40,000/70×100, ये कट गया यहाँ से 4 जीरो से ना, 3 जीरो है ना, और इस पे 3 जीरो पर और 2 जीरो है ना, कितना आ गया 2 लाख रुपया। ठीक है ना, हीरे का मूल्य क्या था 2 लाख रुपया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 11 देखिए, मैं पूरा इसलिए कर दिखाता हूँ जो नहीं पढ़े ना तो उनको अभी भी थोड़ा बहुत आ जाएगा दिमाग में, जब अपना पढ़ेंगे बैच में तो सारे क्लियर हो जाएंगे बातें, है ना, इसलिए सारा, नहीं तो खाली प्रॉब्लम जहाँ तक पूछ खत्म कर देता, लेकिन जो नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है 50 का 50, इसलिए पूरा प्रॉब्लम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा आप फटाफट बताइएगा इसको कुछ कहानी, 21 28 36 और 45 का एलसीएम 1 2 6 0,
सुनिए, ये कहा कि वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, क्या सिखाए थे, एलसीएम निकालते हैं, चलिए एलसीएम तो मैंने निकाल दिया। लेकिन कहा नहीं, वैसा नंबर बताओ जिसमें हम पांच घटाएं, हम घटाएं पांच तो कटे। तो हमने कहा था पांच जोड़ दो घर पे, घटा लेना वही आ जाएगा, फिर कट जाएगा वो, क्योंकि एलसीएम ही तो कंप्लीटली डिविजल होगा, इसलिए हम एलसीएम जो जोड़ने कहते घटा देंगे, घटाने कहते जोड़ के, गुना कहते भाग कहेंगे, भाग कहे तो गुना कर देते, याद है सबको। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर, कहा एबीसी जो है एक बिजनेस शुरू करता है, व्यापार की शुरुआत करता है, ए लगाता है 2560, बी लगाया 2000, सी लगाया पता नहीं कितना रुपया, ठीक है ना। अब इसमें कहा कि ए को मिला है 1105 में से 320, तो सी का इन्वेस्टमेंट क्या था, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई ए का शेयर, तो ऊपर 2560 लिखेंगे, नीचे सबको जोड़ेंगे तो 4560 प्लस एक्स सबको इंटू ए, टोटल प्रॉफिट कितना था 1105, और यही होता है ए का शेयर, और ए का शेयर कितना है 320 है, ठीक है ना। अब इसे काटिए, ये कट गया कितना 8 बार में, 8 से 24 है ना, 8 बार में कट गया, तो 4560 प्लस एक्स बराबर, इसमें गुना करो 8840, और ये माइनस कर दो एक्स बराबर कितना आ गया 4280, यही ना, तो 4280 टोटल आ गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर देखिए जरा। कहा कि ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ए और बी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक। कहा दोनों मिलकर काम किया, मालूम है कितने दिन, 5 दिन, तो भाई 5 दिन में तो 25 काम तो कर ही दिया, तो कितने बच गए, ये कौन किया होगा, तो 30 में से 5 काम अकेला किया, तो पैसा तो उसके हिसाब से मिलेगा, 30 में से 5 काम किया, कुल पैसा 4500 है, तो 4500 का कितना हो गया 150, 15 5 75, उसका 750 मिलेगा, 30 काम में से 5 ही काम किया ना, तो 5/30 कितना मिलेगा उसको 4500 का, तो 750, ठीक है ना। जब पूरा काम ऐसे 30 है तो पैसा मिलता है 4500, तो इतना काम का पैसा कितना होगा, तो वही बात आ जाएगा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, दो नल है, एक 24 मिनट में एक 32 मिनट में भर सकता है, 24 चौक 96, 32 तिहाई 96, ठीक है ना। कहा कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, बोला कितने देर बाद बी को बंद कर दें कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो बात ऐसा है भाई, बी को बंद करने के लिए कह रहा है, ए तो चलता रहेगा ना, तो ए शुरू से अंत तक चला, ए पूरा 18 मिनट तक चला, 1 मिनट 4 भरता, 18 मिनट कितना भरेगा 72, तो इतना पानी तो ए ने भरा, तो 72 96 में से भर दिया ए, तो कितना बच गया 24, तो अब जो बचाव कौन भरा होगा, बी भरा होगा, और बी 1 घंटे में 3 भरता है, तो 24 कितने घंटे भरा होगा, तो बी को हम बंद किए होंगे 8 घंटे बाद या 8 मिनट बाद, जो भी होगा 8 मिनट बाद बंद किए होंगे, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 1515, 15 नंबर क्वेश्चन, प्लीज यहां देखें जरा। कहा कि फ्रेश फ्रूट्स में जो है 68% वाटर है, ठीक है ना, तो 100 केजी फ्रेश फ्रूट्स है, इसमें 68% तो पानी ही है, तो मटेरियल कितने होंगे इसमें 32%, तो 32%, जैसे मैंने कहा कि अंगूर है सूख के बन गया किशमिश है ना भाई, नारियल का गोला है सर सूख के बन गया सूखा गोला, देखो है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसमें मटेरियल तो रहता उतना ही ना है, अंगूर है तो अंगूर से सूख के किशमिश बना, तो मटेरियल तो उतनी ही निकला, क्या उसमें से पानी, तो मटेरियल दोनों केसेस में क्या है कांस्टेंट है उसमें, है ना। तो 100 केजी फ्रेश फ्रूट्स है, उसमें 68% पानी है, तो मटेरियल 32% होगा, तो मटेरियल जितना अभी होगा, मान लो कि अब ड्राई फ्रूट्स कितना बनेगा नहीं मालूम,
लेकिन जितना ही बनेगा उसमें कहा कि 20% पानी है, तो ड्राई फ्रूट्स का 80% मटेरियल होगा, तो मटेरियल तो बचा रह जाएगा ना जी। अब नारियल का गोला सुखाते हैं तो नारियल थोड़ी उड़ जाता, पानी उड़ता उसमें से ना, ठीक है ना, तो मटेरियल तो उतना ही रहेगा। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, ठीक है ना, 1-0 काट के 8 चौके 32, ड्राई फ्रूट्स बनेंगे 40 kg, पानी उड़ गया जी, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग। 16 नंबर देखिए, कहा कि है ना 50 ग्राम जो है एलॉय है गोल्ड एंड सिल्वर का, गोल्ड इसमें 80% है, गोल्ड मिलाने के लिए और कह रहा है कितना मिला दे गोल्ड कि गोल्ड 95% हो जाए। इसका मतलब गोल्ड मिला रहा है, इसका मतलब सिल्वर की क्वांटिटी क्या है, जैसे इसमें था ना ये मटेरियल कांस्टेंट, वैसे सिल्वर इसमें कांस्टेंट है। तो 50 ग्राम में गोल्ड जो है 80% है, तो इसका मतलब सिल्वर कितना है 20%। अब टोटल जो न्यू मिक्सचर हो गया, अब मान लो कुछ भी न्यू जो बना मिक्सचर, उसमें 95% गोल्ड है, तो सिल्वर कितना है 5%। भाई इसमें हमने गोल्ड मिलाया ना, सिल्वर थोड़ी मिलाया था, तो सिल्वर जितना पहले क्वांटिटी में था उतना ही अब के क्वांटिटी में, दोनों में क्या होगा सेम होगा, ठीक है ना। हम काट दीजिए इसको, कितना गया न्यू क्वांटिटी, कितना आ गया 200। तो पूरा पहले 50 ग्राम का था मिक्सर, अब पूरा मिक्सर हो गया 200, तो हमने इसे मिलाया कितना 150 ग्राम। तो ये क्या मिलाया था जी, गोल्ड है ना, क्या मिलाया था गोल्ड मिलाया था, ठीक है। तो गोल्ड 150 मिला दिया, समझ में आ रहा सबको है जी। हाँ, क्योंकि 50 तो पहले था ही, अब पूरा मिक्सर 200 हो गया, तो मिलाया कितना 150, तो बढ़ा कितना 150 बढ़ गया, ठीक है ना। 17 नंबर, 17 नंबर देखिए, कहा कि एक एग्जाम में 37% जो है कैंडिडेट जो थे वो गर्ल्स, लड़की फीमेल थी, गर्ल्स थी, लड़कियां थी, ठीक है ना। 37%, 37% समझते हैं, 37% मतलब होता है 75/2%, समझते हैं ना। 25 × 75, 25 × 100, कुल बच्चे 8 हैं तो लड़कियां 3 हैं, बॉयज एंड गर्ल्स की बात हम कर रहे हैं, लड़कियां 3 हैं तो लड़के कितने हैं। अरे नहीं भैया, पूरा बच्चा 8 है, पूरा बच्चा क्या है 8 है, 100%, 8 में से लड़कियां कितनी हैं 3 है, तो लड़के कितने हो गए 5, समझ रहे हैं ना। बोलिए, अच्छा बॉयज गर्ल्स, बच्चे टोटल 8 हैं, 8 में से लड़कियां 3 तो लड़के 5, लड़के 5 लड़कियां 3, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब कहा कि जितने लड़के तो 75% पास कर गए हैं और लड़कियां जो है 62.5% पास कर गई, ठीक। अब हमको फेल निकालना है, तो सिंपल सी बात है, 25% लड़के फेल हो गए, 75% पास हो गए तो 25% फेल हो गए, ठीक, और 62.5% लड़कियां फेल हो गई, 62.5 पास हो गई, पास तो फेल कितना हुई लड़कियां 37.5, 37.5 मतलब क्या होता है 3/8, 3/8 अभी निकाले हैं 37.5, तो 3/8 होता है, मैंने काट के लिख दिया ना, ये 3/8 होता है ना। अब यहीं से कार्यक्रम 25 4, तो बस इधर गुना कर दो, कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 9, ये किसका रेशियो निकला, फेल फेल होने वाले बॉयज और गर्ल्स का। लड़कियां दिया है कि 342 लड़कियां फेल हो गई हैं, कितना से कट गया 38 से, भाग देना इसको 9 × 3 = 27, 7 × 9 = 72, 80, 380, तो लड़के 380 फेल हुए, समझ में आ रहा ना। 9 बराबर दिया है 342 लड़कियां, ठीक है ना, ये हम सबको फेल में कन्वर्ट कर लिए ना, फेल फेल तो इतना इतना है, तो 10 × 380 होगा, ठीक, बहुत ही नर्सरी लेवल का है, ठीक है ना। देखिए जरा, कहा एक व्यक्ति 5 लाख रुपए में घर परचेस किया, ठीक है ना, और उसको रेंट पर लगा दिया, किराए पर, साढ़े जितना रेंट आता था ना उसका 12.5% जो है
उसके रिपेयर पे खर्च करता था और 1660 रुपया एनुअल टैक्स पे करता था, ठीक है ना। लास्ट में वो रियलाइज किया कि 10% उसका इन्वेस्टमेंट का बचा, उसको कितना मिला, 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 10% उसे प्राप्त हुआ, ठीक है ना। मुझे इतना कार्ड छाड़ के उसके 10% ही बचे, जितना निवेश कर 10% बचे। तो भाई उसका है ना मंथली इनकम, मतलब मंथली उसका क्या रेंट था, हाउस रेंट क्या था, ठीक है, मंथली जो था, मंथली ऑफ द हाउस रेंट, रेंट ने लिखा किराया क्या था, ठीक है, मंथली हाउस रेंट क्या था, ठीक है ना। तो सुनो, मान लो पूरे एक साल का रेंट इसका 100% था, ठीक, पूरे एक साल का रेंट कितना था, 100% था। तो 100% में 12.5% तो किराया पे खर्च कर दिया, मरम्मत पे खर्च कर दिया, ठीक है ना। 12.5 समझते हैं, 25/2 होता है, ठीक है ना, होता है ना 12.5, मतलब 25 × 100, मतलब 1/800 उसने खर्च कर दिया, कितना बचा, 7/8 बच गया, है ना, कितना बच गया, 7/8 बच गया, ठीक। अब उसमें से कहाँ बचा, 1660 रुपया और खर्च कर दिया उसके, है ना, टैक्स पे कर दिया, ठीक। अब जो बचा है लास्ट, वो 5 लाख रुपए का, 50 है ना, 5 लाख रुपए कितना परसेंट है, 10%। उसे लास्ट जो प्रॉफिट रिलाइज किया वो कितना, 50,000 रुपया, कार्ड छाड़ के 50,000 बचा, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग, चाहे तो इसे काटे चाहे तो रहने दें, को दिखे काट दूं, 25 × 100, 4 × 8, 25 × 7 = 175 है ना, ÷ 2, तो इतना बराबर इधर आके जोड़ दो, कितना हो गया जी, 5,1660, यही ना, 4 0 है ना, ठीक है ना। तो इतना बराबर इतना है, ठीक। तो उसका 100% क्या था, पूरी देखो, ये 100% जो आया ना पूरे एक साल का निकले, किसका निकलेगा, ये एक साल का, 5,1660, 175/2, 2 कहाँ चला गया, ऊपर, इनटू 100, ये कितने का है मालूम है, एक साल का, लेकिन हमको निकालना क्या है, पर मंथ, तो 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। काटो, 25 × 100, 25 × 175, 4 3 12, अब आराम से भाग दो, 7 से भाग दे दूं, 7 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, काटो, 3 से काटूं, 21 से काटो, कितने बार में भाग दो, 21 × 2 = 42, कितना बच गया, 9, कितना, 2 4, ये ना डबल कर दो तेरे इसको, 4 9 6 2, ये गलती काटा है, 2 4 3 0 आ रहा है, कितना दे दो हमें, काट लेते हैं, काटिए इसको, जो 3 से काटे थे तो कितना आ गया था, 17 51 2 2 0, 7 से काटो, 7 2 14 और कितना हो गया, 32, काटो, 7 6 28 और कटेगा ये, 7 6 42, ये आ रहा था, है ना, यही आता तुम्हारे उसमें, नहीं अब गुना करो उसको, 24 2 5 24 48, 4 9 2 0, ऑप्शन में है, यही मिस्टेक किया है यहाँ पर, ठीक है ना, 4 9 2 0 था यहाँ पर, ठीक है ना, 4 9 2 0, ठीक है ना, 4 9 2 0, कोई दिक्कत तकलीफ, फटाफट देखिए। मिटा दिया क्या, चलिए यहां देखिए फटाफट, 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 10% है और फिर वही गलती 3 साल यहां पे कर दिया, सेम टू सेम, इंग्लिश में जो है 3 इयर्स, हिंदी में भी 3 इयर्स कर ले, 3 वर्ष में देना है, ठीक है ना, इंग्लिश में 3 है, इंग्लिश में जो है वही, ठीक है ना। चलिए, कहा कि 10% है, तो 10 11, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा, 10, और अमाउंट कितना होगा, 11, फिर वैसे करके दूसरा साल सेकेंड ईयर का ये होगा और ये दूसरे साल का होगा, ये तीसरे साल का होगा,
ये तीसरे साल का होगा। बोला कि हर साल अमाउंट इक्वल जाता है, लेकिन हाँ इक्वल कहाँ है, ये तो अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है ना। तो इसे इक्वल करने के लिए क्या सिखाए थे, 11 से गुना कर दो, इसमें दो बार गुना करो तभी तो ये 1331 होगा, 1331 होगा। तो इसमें आपने 11 से गुना किया तो यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ आप 121 से गुना किए, 11 11 दो बार है ना, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1210, ये हो गया 1100, यहाँ कितना हो गया 1000, प्रिंसिपल जोड़ो कितना आ गया 33। ओहो तो इतना बराबर हमें इतना ही दे रखा है, तो पर इंस्टॉलमेंट कितना होगा 133, इतना क्या होगा, इतना ही आ जाएगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1331 का हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर है 20। ये था 19 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। है 3 इयर्स कर दीजिए ना, 3 3 मैंने कहा था ना, 3 कर लो, 20 20 है ना, कहल कह दिया था। कहा सुरेश के पास जो है 60,500 रुपीज है, ठीक है ना, ए बी सी में बांटा, तीन पुत्र है इसमें बांटा, ठीक है। आपको याद है सबको अमाउंट इक्वल कर रहा ना, जब अमाउंट इक्वल आता है तो कैसे निकालते हैं, हाँ 1/100 + RT याद आ रहा है, इसको 20% के दर से 3 साल के लिए, एक मिनट लिख देता हूँ थोड़ा, इसको कितना 4 साल के लिए, और इसको 20% से 5 साल के लिए जमा करता है, ठीक। इसका कितना 160, इसका 180, इसका 200, 200 सब में का पहले एक एक जीरो काट दिया, अब सब दो दो कट रहा है क्या, काट दो 8 9 10, और इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है, ठीक है ना, बड़ा है रहा था, डायरेक्ट गुना कर दूं कितना आ गया 100 180 नहीं कटेगा, यहाँ लिखो 9 10, ठीक है ना, यहाँ लिखो 8 10, यहाँ लिखो 8 9, यही ना। अब काट दो सबको आराम से, 4 2 8, 4 2 8, 5 2 10, ठीक है। अब कट रहा है कोई नहीं, तो 45 40 और 36 किसका निकालना है, सी का ना, 36/100, और टोटल पैसा 6,050,000, तो कट गया 5 बार में है ना, और 36/100 180 मतलब 18,000, इसके लिए 18,000 डिपॉजिट हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब पूरा पढ़ेंगे तभी मजा आएगा बातें, लेकिन अभी जो आपको फायदा ये करेगा कि जो अपने बैच में पढ़ेंगे, आप जो नहीं पढ़ रखे हैं उनको ज्यादा फायदा आएगा, ठीक है ना। यहां देखें फटाफट, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ए बराबर दिया है 1 3, बी दिया है 5 - 6, और सी दिया है 3 4। AD द मीडियन, AD क्या है, माध्यिका है, इसका इक्वेशन निकालना, ठीक। तो आपको याद है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, 5 3 8/2, 6 - 4 - 2/2, -1। और आपको याद है इक्वेशन निकालना सिखाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कैसे था, y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1, याद आ रहा है। इसमें किसी को आप x1 y1 मान सकते हैं, या इसको या तो इसको, एक लाइन दो पॉइंट से पास करें, तो इक्वेशन निकालना सिखाया था ना, याद आ रहा सबको। देखो y - y1, देखिए ये टेस्ट के माध्यम से आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हम तैयारी हुआ है मेरा, कौन कौन से में बिल्कुल आंख बंद है, खुला होते हुए भी बंद है, नहीं समझा, ये मालूम चलने लगेगा। और अभी तो बहुत समय है, 1-1.5 महीना है कि नहीं भाई, जब तक जो है हम लोग बहुत कुछ तैयार भी कर लेंगे, जिसको LDC जानना होगा तो, लेकिन CGL तो बहुत टाइम है, वो तो अभी से ही जब प्रिपेयर करते करते पकते 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 दम पक के दम तैयार हो जाएगा, है ना, मौजूद हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए देना बहुत जरूरी है टेस्ट। देखो इसको मान लिया x1 y1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y - y1, -1 + 1, y2 3 y1, x2 x1 x - x1, यही ना।
कोई दिक्कत नहीं, इधर कितना माइनस थ्री है, या तो यहाँ गुना कर दो या माइनस ऊपर ले दो, कोई बात दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उधर लेते हैं माइनस थ्री वाई माइनस थ्री, ठीक है। फोर एक्स और चार छः कितना हो गया 16, फोर एक्स इधर लाओ प्लस थ्री वाई, और इधर आके प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 13 बराबर जीरो, फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 13 इक्वल टू जीरो, सी आंसर, ठीक है ना। 22, 22 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा कि तीन नल हैं, ए और बी जो है सी के तुलना में कितना टाइम लेता है, आधा समय लेता है। जो समय आधा है तो इफिशियंसी क्या होगा, डबल होगा, ठीक। तो ए और बी का इफिशियंसी इसके तुलना में डबल है, ठीक। उसके बाद क्या बोला इसने, ए बी से आधा समय लेता है, ए बी से आधा समय लेता है, तो इफिशियंसी क्या होगा इसका, डबल होगा, उल्टा हो जाता है, मालूम है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब यहां देखे जरा, कहा कि तीनों मिलकर 6 घंटे और 40 मिनट का मतलब आप समझते हैं 20/3, यही ना। 1 घंटा में कितना भरता है, 3 लीटर, तो इतने घंटे में कितना भरेगा, 20 लीटर, ठीक। और ए बी का पूछे तो 2 से भाग दो, ए बी 10 घंटे में, यहाँ ए बी कितना भरता है, 3, तो 10 घंटे में, अब पूछा किसका है, तो ए 10 से भाग दे, 2 से भाग दे 15, तो ए 15 घंटे में भरेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23, ये ट्रायंगल है, नाम दिया एबीसी। कहा ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो त्रिभुज एबीसी के, है ना, जो सरकम सर्कल है, परिवृत्त है, उसको क्रमशः एक्स वाई और जेड पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। ए बी सी का जो बाइसेक्टर है, उस त्रिभुज ए बी सी का सर्कम सर्कल है, उसको एक्स वाई जेड पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। ये एंगल ए 50 है, आपका मालूम है जो एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है उसे इन सेंटर कहते हैं, और ये कैसे निकलता है, 90 + a/2, तो ये आपका आ गया 115, और ये वर्टिकल अपोजिट ए भी क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक। सी जेड वाई, सी जेड वाई ये हमें दिया है 30 डिग्री, 115 और 30 145, तो क्या बच गया ये, तो हमको निकालना बी वाई जेड, ये क्या हो 35 डिग्री, ठीक है। 24 नंबर, 24, राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी है, एंगल ए इसमें 90 डिग्री है, एंगल ए इज 90 डिग्री, कोण ए समकोण है, एडी जो है बीसी पर लंब है, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, एडी जो है बीसी पर लंब है, ए बी बराबर दिया है 15 और ए सी बराबर दिया है 20, हमको बी डी इज टू सी डी निकालना, ठीक। तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला प्रूव करके दिखाया था ज्योमेट्री में कि इतना इतना का जो रेशियो है, इतना का स्क्वायर के बराबर होता है, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया और ये 20 का स्क्वायर हो गया, तो 5 + 15, 5 + 15, तो 9 और 16 का रेशियो होगा, ये हम पढ़ाएंगे आपको ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें बताए होंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखिए फटाफट। कहा इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है, नाम है एबीसी,
ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, ए का अंतः संविभाजक है, एडी क्या है, इंटीरियर बाइसेक्टर है। फिर कहा एबी और एसी की लंबाई इसका 8 है, इसका 12 सेंटीमीटर है, तो ए डी बी और ए सी डी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आपको याद होगा कि एंगल बाय सेक्टर है तो जो रेशियो इनका होता है वही रेशियो इनका होगा। तो इनका रेशियो 8 और 12 का होगा, 4 × 8 4 × 12। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 2:3 हो गया, इनका रेशियो 2 और 3 हो गया, ठीक है ना। अच्छा आपको याद है जब सब सभी ट्रायंगल का पॉइंट जाके एक ही जगह पे हो तो हाइट क्या हो सबका सेम होता है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है 2, और हाइट उतना ही होगा जो कि इस ट्रायंगल का होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 3 और इंटू हाइट। तो ये मैंने फालतू में लिखा, जो रेशियो बेस का होगा वही उनका एरिया का होगा, तो आंसर 2:3 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26।